हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने पोको के फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अपने फ़ोन को आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, फ़ोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों शॉर्टकट सेटिंग से हम अपने पोको के फ़ोन को या दोस्तों किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को हम शॉर्टकट सेटिंग से रिबूट या रीस्टार्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों आज की वीडियो में हम किसी बटन को यूज़ नहीं करेंगे, बिना बटन के अपने फ़ोन को रिबूट करेंगे। उसके लिए पहले आप जाओ फ़ोन की सेटिंग में। दोस्तों फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके इंटरफेस आ जाएगा आपके फ़ोन में भी। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हम क्लिक करेंगे फ़ोन की एडिशनल सेटिंग पे। क्लिक करने के बाद इस तरीके इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर लेना है। दोस्तों अब स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू सेटिंग, इस पर क्लिक कर दो। और यहाँ से दोस्तों जो मेन्यू सेटिंग ऑफ है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। जैसे आप ऑन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, तो आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं दोस्तों, आपको बस अलाउ पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पे या तो यहाँ पे राइट साइड में आपको डॉट आ रहे होंगे 3 डॉट, या दोस्तों आपको यहाँ पे बैक बटन के पास आपको एक मैन आइकन दिख रहा होगा, या फिर आपको साइड में आ रहा होगा मैन आइकन। इन्हीं तीन तरह से दोस्तों कोई एक आइकन आपके स्क्रीन पर शो करेगा, या तो यहाँ पर आएगा मैन आइकन, या यहाँ पर आ रहा है, या यहाँ पर आपको 3 डॉट भी दिख रहे होंगे, तो आपको उसी पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल असिस्टेंट सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पावर ऑफ सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम सेटिंग, रीसेंट ऐप, लॉक स्क्रीन, टूल सेटिंग, नोटिफिकेशन और स्क्रीनशॉट सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप बिना बटन को यूज़ करें अपने फ़ोन की स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लॉक पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक लॉक। तो इस तरह दोस्तों आप ये शॉर्टकट सेटिंग को यूज़ कर सकते हो, बिना किसी 3 फिंगर, बिना किसी बटन के स्क्रीन शॉट ले सकते हो। स्क्रीन शॉट पर क्लिक करते नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, ऐसे रिसेंट ऐप यहाँ से आप चेक कर सकते हो दोस्तों, और भी सेटिंग यहाँ पर आप वॉल्यूम सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों क्लिक करेंगे फ़ोन पावर सेटिंग पे, और पावर सेटिंग पे क्लिक करते आपको रिबूट पे क्लिक करना है, और रिबूट पे क्लिक करते दोस्तों आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ होएगा और ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको किसी बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बटन को आपको टच या प्रेस नहीं करना है, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ और यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा 10 सेकेंड के बाद। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 फोन हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हो, पोको के फ़ोन को रिबूट कर सकते हो इस तरीके से शॉर्टकट सेटिंग से। और अगर पावर ऑफ पे क्लिक करोगे तो फिर दोस्तों आपको अपना फ़ोन ऑन करना पड़ेगा पावर बटन से, और एरोप्ले मोड और साइलेंट मोड को भी आप ऐसे शॉर्टकट सेटिंग से इनेबल कर सकते हो। दोस्तों बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 या 30 सेकेंड, उससे थोड़ा कम ही लगेगा, और यहाँ पर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, और फिर आप इसको अनलॉक करके यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से अपने हम किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को ऐसे शॉर्टकट सेटिंग से रिबूट कर सकते हैं। और दोस्तों स्वाइप करने का पहले आप इसको क्लीन करना है, एक बार क्लीनर पे क्लिक करके यहाँ पे, तो पहले आप इसको एक बार क्लीन कर लेना। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।